खुले आंख जिस दम सवेरे सवेरे, क्या करते हैं सुबह सुबह आंख खुलती हैं, कौन कौन उसको पुकारता है। कल मैंने एक बात शुरू की थी, फिजिकल डाइट इमोशनल डाइट, तुम्हारे घर में अन्न कैसे आ रहा है, दुआओं से या फिर दर्द से। बहुत बड़ा कारण है जिंदगी को सुखी और दुखी करना, तुम्हारे हाथ की बात है। लेकिन क्या करें, अनीति से भी आता हुआ धन बड़ा अच्छा लगता है, उसी से प्यार है अनादि का। कितना भी कैसा भी कर्म करना पड़े, कुछ लोग तो कहते हैं लाशों के ढेर को भी पार करना पड़े, लेकिन कोई बता दे कि वहां जाकर पैसा मिल जाएगा तो मैं वो करने को तैयार हूं। कितना बड़ा कारण है तुम्हारे घर में जो अन्न आ रहा है उसकी एनर्जी कैसी है धन की। आपसे एक बात पूछती हूं, आप के घर में अभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक नंबर का काम है या दो नंबर का, बोलो जवाब तो दो। हाँ, एक नंबर का या दो नंबर का बोल दो। हाँ जी, एक भाई साहब कह रहे हैं एक नंबर का, बाकी सबका दो नंबर का। हाँ, एक नंबर का है। हाँ, डेढ़ नंबर का डेढ़ नंबर का हाँ, मतलब जो दो नंबर का काम है वो थोड़ा आधा ही करते हैं, है ना, डेढ़ नंबर का। अच्छा, आपको एक बात पूछती हूँ, आपको मतलब महाराज जी एक नंबर ही चाहिए या दो नंबर ही? हाँ, एक नंबर ही, और आप भले ही दो नंबर ही हो। हाँ महाराज जी, आपको एक नंबर ही चाहिए, क्या चॉइस है? अपने लिए भी तो कुछ चॉइस रखो। हमारा दो नंबर चलेगा। अरे, दो नंबर वालों की रोटी खा के कोई एक नंबर ही कैसे रह सकता है? दो नंबरियों का अन्न खाते हैं ना हम। आपके घर में दो नंबर का काम है, और दो नंबर के काम से जिसके घर से देखो, कभी कभार हम एक नंबर की रोटी खाते हैं, हम भी एक नंबरी हो जाते हैं कभी। कैसे? जिसके यहाँ मेहनत की कमाई से, सात्विक धन से, जिसके यहाँ सात्विक दो प्रभाव होता है, यहाँ पता चलता है। किसी दिन साधना में बड़ा मन लगता है, किसी दिन ऐसा होता है कि अपने आप ही चिंतन मनन मन खुश रहता है। उसका रीजन है कि जिसके घर से आज आहार आया है वहां सात्विक अन्न बना है, वहां सात्विक धन था, तो वो सात्विक धन से जो अन्न आया है उससे हमारा मन भी क्या हो गया, हमारा मन भी एक नंबर का हो गया। लेकिन बड़ा मुश्किल है, तुम लोगों की रोटियां खाकर उसे पचाना आसान नहीं है। गृहस्थी तेरा टुकड़ा गज गज लंबे दांत, गृहस्थी तेरा टुकड़ा गज गज लंबे दांत, या तो कर प्रभु भजन नहीं तो काड़े आंत। ये समाज की तुम लोगों की रोटियां खाकर उसे पचाना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। 18 पापों की कमाई और उससे बना हुआ अन्न, और आजकल तो, पहले तो फिर भी ये भाव भाते थे कि हे प्रभु, आज का दिन अच्छा हो जाए, मेरे रसोई घर में कोई संत महाराज आके मैं उनको आहार बहराऊं। कितने लोग ये भावना भाते हैं आज? सारे जने भाते हो, क्या बात है, बड़े श्रद्धालु हो, बड़ी अच्छी भावना है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जिधर पता नहीं हो महाराज जी को जाना है, महाराज जी कैसे आना हो गया, हाँ कैसे आए। बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पर अगर
दुआ से कुछ अन्न आ रहा है, उसे खाकर हमारी साधना भी अच्छी चलेगी और तुम्हारे घर का वातावरण भी सुखी और निरोग रहेगा। तो सबसे पहले आपको जहाँ अपना धन सात्विक करना है, अपना मन भी सात्विक करना है। और मन सात्विक कैसे होगा? सुबह का एक घंटा या आधा घंटा आप इस मन को आत्मा का भोजन दो, इमोशनल डाइट जिसको कहते हैं। आपने फिजिकल रूप में स्वस्थ रहने के लिए तो बड़े बड़े डाइटिशियन लोगों ने हायर किए हुए हैं और डाइट पे चल रहे हैं, आके क्या कहते हैं, क्योंकि कोई हार्ड वर्क तो है नहीं, घर में बैठ बैठ के मोटे हो रहे हैं और उसको मोटापे को दूर करने के लिए क्या करने, कोई मेहनत नहीं कुछ, कैसे ऑन डाइट, हम डाइट पे डाइट फॉलो कर रहे हैं। अरे कुछ थोड़ा सा वर्क कर लो, धर्म स्थान में चलकर आ जाओ, कुछ योगा ध्यान साधना करो, कोई डाइटिशियन हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ठीक है, स्वस्थ होने के लिए करो कि तुम्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे तुम अपने डाइट, लेकिन उसको सुधारने में लगे हुए हैं, थोड़ा सा इमोशनल डाइट को भी तो सुधारो। भावनात्मक भोजन कैसा हो, सुबह का आधा घंटा अपने भीतर ज्ञान भरो, ध्यान भरो, जाप करो, साधना करो। ये जो साधना चल रही है सुबह की, भावना की साधना, आधा घंटा 15-20 मिनट ये कर लो, आकर आपको सुंदर भोजन मिलना शुरू हो जाएगा जो आपको स्वस्थ करेगा। जैसा आप देखते हो, आज ये अत्यधिक सोचने की जो बीमारी चल रही है, इतना ज़्यादा लोगों के पास अधिक सोच आ गई है, ओवरथिंकिंग। इस ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए एक ही चीज़ हो सकती है कि ओवर इन्फॉर्मेशन को रोको। ओवर इन्फॉर्मेशंस आपको मीडिया से, सोशल मीडिया से जितना कुछ आपके पास पहुंच रहा है, आप सब कुछ देखते जा रहे हैं, सब कुछ सुनते जा रहे हैं, जो आपके ज़रूरत का नहीं है, जो आपकी डेस्टिनी को ख़राब कर रहा है, जो आपके चित्त पे प्रभाव डाल रहा है, टाइम पास कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, खाली बैठे ना ये भी देख लेते हैं, वो टाइम पास तुम्हारे चित्त को ख़राब कर रहा है। किसी को डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो किसी के घर जाता है, उन्होंने 36 तरह की चीज़ें लगा के रखी हैं, तो उसमें से वो क्या लेगा, क्या खाएगा? अगर अच्छा सूझबूझ वाला केयरिंग है अपने लिए तो वो क्या खाएगा उसमें से, बताओ? जो जिससे उसका शुगर लेवल बढ़े नहीं, उसको नुकसान ना हो, वही चीज उठाएगा वो खाने के लिए, क्योंकि ध्यान है। आप किसी के घर गए, आपने तली हुई चीजों का नियम किया हुआ, सोचा हुआ है मुझे तला हुआ फ्राइड नहीं खाना, आप वहां पर गए, उन्होंने बहुत कंपेल किया, आपने कहा नो मीन्स नो, मुझे नहीं लेना तो नहीं लेना, तो वो आपको कंपेल नहीं करेंगे। सेम विद मीडिया, सोशल मीडिया, सेम विद गॉसिप, ये चीजें हमारे लिए काम करती हैं। जो आपकी डाइट को सूट कर रहा है, आप मीडिया से वही उठाएं, उसी को देखें, उसी वीडियो को देखें, उसी मैसेज को देखें, वैसा ही ऑडियो सुने जो आपके चित्त को पावरफुल बनाए, एनर्जी दे, जो आपके चित्त को खराब कर दे, जो आपके दिमाग को परेशान कर दे। इसलिए या आज अत्यधिक सोचने की ये बीमारी चल रही है, और ये बीमारी कैसे, और दूसरी बीमारी और क्या है, तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं, चुगलियों का पूरा पूरा एक पोटला खोल लेते हैं और आप बड़े खुश होकर सुनते हैं, कितना खराब करते हैं वो आपके चित्त को। अगर आप उनको ये कह दें कि ये बात मुझे नहीं सुननी, लेकिन अगर इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं, इससे भी हमारी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। इसको रोकना आपके हाथ की बात है। कितने लोगों का सुधार कर सकते हो, एक जो आकर आलोचना कर रहे हो उसका जीवन बचा सकते हो,
खुद को बचा सकते हो। कार्मिक अकाउंट शुरू करना आपका भी शुरू हो जाएगा। अगर आपने किसी की आलोचना करके खाली सिर हिलाया ना, तो उसे बड़ा, जब बचपन में हम नानी दादी से कहानी सुनते थे तो हम कहानी के साथ साथ क्या बोलते थे, हुंकारा भरते थे ना, ताकि सुनाने वाले की क्या, उसका रस बरकरार रहे और वो सोचे ना कि ये सो गए हैं, आराम से सुन रहे, हम हुंकार भरते हैं तो सुनाने वाले को क्या आएगा, रस आएगा कि ये बड़े ध्यान से सुन रहा है। इसी तरह से आप किसी की आलोचना सुन रहे हैं तो वह बड़े रस के साथ सुनाता रहेगा, और आप सिर हिला रहे हैं, हूं कर रहे हैं, वहां से आपका कार्मिक अकाउंट चालू हो गया, आपका कर्म बनना शुरू हो गया एक गर्दन हिलाने से भी। अगर आपने ना कर दिया कि मुझे ये बात नहीं सुननी, तो अगली बार आपको वो किसको इंटरेस्ट ही नहीं है, कहानी उसी को सुनाते हैं जिसको इंटरेस्ट होता है। जब सामने वाला देखता है कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं, तो इसे सुनाने का क्या फायदा, नहीं सुनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपका टाइम सेव होगा, सामने वाले का टाइम सेव होगा, और हॉस्पिटल से बच जाओगे। जितना ज्यादा निंदा चुगली ये चीजें सुनने से क्या होगा, यहां पर जो अधिक सोचने की बीमारी चल रही है ना, इसका बहुत बड़ा रीजन है ये। तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ, ऐसे कुछ काम करो जिससे आपको दुआएं मिले, जिससे आपको ब्लेसिंग मिले, जिससे आपको, आप वही देखो, वही सुनो, वही पढ़ो जिससे आपका चित अच्छा बने। अपनी इमोशनल डाइट का आपको ध्यान रखना है। आज दुआएं लेनी तो हमने छोड़ दी हैं, चारों तरफ से क्या मिल रही है किसी को, याद रखना जिसकी ज़िंदगी में दुआएं आ रही हैं। और दुआएं कब आती हैं, कब आती हैं दुआएं, जब आप कुछ अच्छा करते हो। अगर आपको किसी को कुछ बताना ही है तो कुछ धर्म की चर्चा से बताओ ना, जिससे उसके जीवन में कुछ अच्छा बने, जिससे उसका जीवन, उसका मन बुद्धि निर्मल हो, कुछ ऐसी बात बताओ ना, आज हमने ये सुना, आज हमने इस तरह से मेरे जीवन में चेंजेस आया, कुछ ऐसी बात बताओ, आज हम ये परोपकार के कार्य करके आए, आज हमने ये मानव सेवा की ताकि दूसरे को भी प्रेरणा मिले, आज मैंने उस गरीब बच्चे की फीस भरी ताकि दूसरे को भी, अरे ये इतने अच्छे काम कर रहा है तो मैं भी। अगर एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहे तो उसका जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना भी खराब कर रहे हैं। बचो इस चीज़ से, इससे बचना हमारे हाथ की बात है। अगर इससे बचोगे तो अत्यधिक सोच की जो बीमारी चल रही है, ओवर इन्फॉर्मेशंस आपके पास आती रहेंगी। ये नहीं कि आप फ़ोन चलाना बंद कर दो, ये मैं नहीं कहूँगी, वो पॉसिबल भी नहीं है। ये नहीं कि आप व्हाट्सएप मैसेज देखना बंद कर दो, नहीं देखो, लेकिन वो देखो जो आपके जीवन को कुछ अच्छा बनाए, वो वीडियो देखो जिससे आपको कोई, आपको कोई अच्छी बात मिले, जिससे आपका चिंतन लेवल ऊपर की ओर जाए, नीचे गिरने की बजाय। जिंदगी में जब ऐसा करोगे, किसी को कुछ अच्छा बताओगे, तो वहाँ से दुआएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। और खुद भी दुआ मांगो, सबके लिए दुआ करो, सबके लिए मंगल कामना करो। हर रोज जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बहुत गजब का सैलाब होता है दुआओं का, और ये दुआएं तभी मिलती हैं जब तुमने अपना पढ़ना, देखना और सुनना सुधार लिया है। तभी आप दुआओं का पात्र बन सकते हो, तभी आप किसी को दुआ दे सकते हो, तभी आप किसी की दुआ ले सकते हो। एक व्यक्ति बड़ी तेजी से गाड़ी से उतरा और एयरपोर्ट में एंटर करता है, फिर और तेजी से भागा जाता है, जहाज अभी उड़ने वाला ही था कि वो फटाफट जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। थोड़ा सुकून मिलता है, टाइम बहुत कम था, अभी जहाज उड़ा ही था कि उसके कुछ देर बाद ही पायलट ने सबको एक सूचना दी
कि मौसम खराब हो गया है, तेज बारिश आने लगी है, बिजलियां चमक रही हैं, जहाज का राडार सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, हमें नज़दीकी किसी एयरपोर्ट पर प्लेन उतारना पड़ेगा। आगे कुछ दूरी पर एयरपोर्ट आता है तो प्लेन की लैंडिंग हो जाती है। वो शख्स, वो व्यक्ति जो जहाज में बैठा था, उसने बड़ी शिकायत की पायलट से, मेरी इतनी ज़रूरी मीटिंग थी, एक कॉन्फ्रेंस थी जो स्पेशल मेरे लिए ही की गई थी, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? वो कहने लगा, कुदरत की बात है, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं था, मौसम ख़राब हो गया अचानक, तो सबकी ज़िंदगी को बचाने के लिए मुझे तो सोचना है ना। इतने में एक और पैसेंजर था, उसने उस व्यक्ति को पहचाना, पहचान कर कहने लगा, ओ डॉक्टर पटनायक आप, अरे आपको जहाँ पर जाना है वहाँ का रास्ता यहाँ से केवल 3 घंटे का है, आप ऐसा करो एक टैक्सी ले लो और टैक्सी से अपने स्थान पर पहुँच जाओ, आपकी मीटिंग बच जाएगी, आपकी ज़रूरी जो कॉन्फ्रेंस है आप उसको अटेंड कर पाओगे। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, नेक सलाह देने के लिए थैंक यू, और उसने टैक्सी ली, टैक्सी में चल पड़ा। इतनी तेज बारिश, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश। जो ड्राइवर था, चल रहा था, वो एकदम चलते चलते अचानक रास्ता भटक गया, पता ही नहीं चला उसको रास्ता किधर जाना था, किधर पहुंच गया, बड़ा घबरा गया। और उसने देखा कि कैसी जगह पहुंच गया, अब तो कहीं रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो भयंकर मूसलाधार बारिश और इतनी बिजलियां कड़क रही, बादल गरज रहे। तो सामने देखा एक छोटा सा घर है, उस घर के आगे जाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। बाहर से डॉक्टर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, कौन हो, आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खोल के अंदर गए, जाकर देखा एक बूढ़ी औरत भगवत गीता पढ़ रही है, भागवत गीता पढ़ रही है, जमीन पे आसन बिछाया हुआ है। डॉक्टर ने अबड़ तबड़ में पूछा, माँ आपके यहाँ फोन होगा, मुझे एक फोन करना है। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा, हंसकर मुस्कुराकर कहने लगी, फोन की बात करते हो, यहाँ तो बिजली भी नहीं है घर में। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा शांति रखो, ये सामने चरणामृत पड़ा है, ये चरणामृत पी लो, बड़े थके हुए लग रहे हो, परेशान लगे हुए हो, थोड़े से फल पड़े हैं, ये फल खा लो। बड़े प्यार से डॉक्टर को उस बूढ़ी माँ ने चरणामृत दिया, कुछ फल दिए और वापस अपना पाठ करने लगी। उसके पास ही कंबल में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा पड़ा था, उसको बार बार हिलाती है, पाठ करती है। डॉक्टर ने पूछा, ये क्या है? उसने कहा कि ये मेरा पोता है, इसको बहुत भयानक बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहने लगा कि माँ आप इतनी देर से पाठ कर रही हो। हाँ बेटा, मैं दुआएं मांग रही हूँ। कहते, कुछ दुआएं मेरे लिए भी मांग दो, ये बारिश रुक जाए, और मुझे विश्वास है तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं इतना प्रभावित हो गया हूँ, मेरा मन इतना अच्छा हो गया है, तुमने कितनी अच्छी तरह से प्रेम के साथ हमें डील किया है। वो कहने लगी, बेटा ये तो मेरा धर्म है, अतिथि तो भगवान के समान होता है, तुम अतिथि बनकर मेरे घर आए हो, तो मैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी दुआएं मांगूंगी। कहते, माँ मुझे विश्वास है तेरी दुआएं जरूर कबूल होती होंगी, जिस तरह से तेरा दिल प्यार से भरा हुआ है, तेरा हृदय, तेरी सारी दुआएं कबूल होती होंगी। हाँ बेटा, आज तक तो परमात्मा ने मेरी सारी दुआएं कबूल की है, तो माँ इस बच्चे को क्या हुआ है? बेटा ये बच्चा बिल्कुल अधमरा सा हो गया है, इसे बहुत भयानक बीमारी हो गई है, ना इसकी माँ जिंदा है, ना इसके पिता जिंदा है,
दोनों मर गए, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं इसको बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, इसका इलाज कोई एक ही डॉक्टर कर सकता है, एक ही नामवर डॉक्टर है। सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हाँ, उस डॉक्टर का नाम उन डॉक्टर ने बताया था, क्या बताया था? हाँ हाँ, डॉक्टर पटनायक, डॉक्टर पटनायक ही इसका इलाज कर सकता है। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ वो डॉक्टर पटनायक मिलेगा? और क्या पता, वो तो इतना बड़ा डॉक्टर होगा, हम तो गरीब लोग हैं, पता नहीं वो इसको देखेगा भी या नहीं। लेकिन भगवान से मैं दुआएं मांग रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ। जैसे ही डॉक्टर ने सुना, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, एकदम उसके गला भर गया और कहने लगा, माँ माँ, तेरी दुआओं में तो इतनी ताकत है, तेरी दुआओं ने प्लेन को नीचे उतार दिया, आसमान में बिजली कोंधा दी, मूसलाधार बारिश कर दी, माँ तेरी दुआओं ने तो रास्ता भटका दिया, मेरी गाड़ी को तेरे घर के आगे लाकर खड़ा कर दिया, मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ माँ, इस बच्चे का इलाज जरूर करूँगा, तेरी दुआओं में इतनी ताकत। ये कोई 100 साल पहले की कहानी नहीं है, बात नहीं है, ये आज की घटना है, आज की करंट। दुआओं की ताकत माँ। डॉक्टर ने बच्चे को देखा, अपने हाथों में उठाया और कहा, माँ आज से तुझे घबराने की जरूरत नहीं, जितना होगा मैं पूरी एनर्जी लगा दूंगा, इस बच्चे को जरूर बचाऊंगा। ये इत्तफाक अचानक घटित हुआ, तेरी दुआओं के बल पर, ऐसी होती हैं दुआएं। अगर हमारे भीतर में भी भावना हो तो आज हम इस धरती पे सब कुछ ला सकते हैं। तुम्हारे भीतर भी ताकत है तूफानों को रोकने की, तुम्हारे भीतर भी ताकत है प्रकृति को बदलने की, हर किसी के भीतर ताकत है। लेकिन लेकिन दुआएं, दुआएं मांगकर तो देखो, भावना से जुड़कर कुछ अच्छा बनकर तो देखो, सुधार कर तो देखो अपने आप को, कि पढ़ क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो और देख क्या रहे हो। इससे बनेंगी तुम्हारे पास दुआओं की शक्ति, इससे रुकनी शुरू हो जाएगी तुम्हारी अतिरिक्त कल्पनाएं, तुम्हारे आते हुई अति सोच की बीमारी, जब तुम्हारे भीतर ऐसी दुआओं, ऐसी श्रद्धा का आगाज होगा और तुम प्रतिज्ञा करके जाओगे कि मुझे सुबह उठकर अपने आप को क्या देना है, क्या देना है, एक घंटा, एक घंटा नहीं तो आधा घंटा अपने अंदर को उस शक्ति से भरना है, उन दुआओं की शक्ति से भरना है। सबके लिए दुआएं मांगनी है, वो दुआएं मांगी हुई कहीं बाहर नहीं जाएंगी, परमात्मा की शक्ति मिलकर तुम्हारी मदद करेगी। तो ऐसी अपने आप को बदलो, जीवन बदलोगे तो दुनिया बदली नजर आएगी, नजरें बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, नजरों में प्यार भरोगे पूरी दुनिया प्यारी लगेगी, नजरों में नफरत भरोगे तो हर एक इंसान बुरा लगेगा। बस थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा सा चेंज होकर देखो, पूरी दुनिया बदली नजर आएगी। कुछ दुआएं मांगना शुरू कर दो, कुछ दुआएं लेना शुरू कर दो, कुछ दुआएं देना शुरू कर दो। गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे, इसी के साथ ओम शांति।